हेलो स्टूडेंट दिस इज बी एस सी बेस्ट ऑनलाइन क्लास तो आज हम पढ़ेंगे बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फिफ्थ स्टार्ट हुई आज ही आपकी तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल है फिफ्थ यूनिट तो इसका मतलब क्या है अल्कोहल का रसायन ठीक है तो ये इलेक्शन फर्स्ट ऑफ़ यूनिट फिफ्थ का तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी अल्कोहल का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे आज हम तो इसमें देखते हैं पहले एल्कोहल क्या होता है फिर उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं जब एल्केन अणु का हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड ओ एच समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो बना बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है इसका सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है तो इसमें क्या कहा जो एल्कोहल है वो क्या है एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं तो एल्केन का फॉर्मला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है तो एल्केन में क्या फॉर्म होता है सी एन एस टू एन प्लस टू और फिर जब उसमें से हाइड्रोक्सी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसमें क्या जुड़ जाएगा एक OH जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह जाए, जुड़ जाएगा यानी हाइड्रोक्सी जुड़ जाएगा हाइड्रोक्सी समूह यानी सिंगल बोन्ड ओ एच ठीक है तो ये क्या कर लेंगे एल्कोहल कहलाएंगे तो जब एल्केन अणु का हाइड्रोजन परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु है वो निकल जाता है और ओ एस समूह उसमें आ जाता है मतलब उसकी जगह वो प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला जो यौगिक है वो एल्कोहल कहलाएगा इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आर सिंगल बोंड ओ एस तो आर क्या है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है तो इसमें देखते हैं आर सिंगल बोंड एच ये क्या है एक एल्केन है एल्केन का सूत्र है ये आर सिंगल बोंड एच आर की जगह क्या आएगा एल्किल ग्रुप ठीक है और फिर इसमें क्या होगा एक प्लस ओ एच जुट जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसमें आर की जगह क्या आ गया यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे आज की जगह क्या आ गया ओ एच तो ये क्या बना अल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड ओ एच इसका सूत्र था ठीक है आर सिंगल बॉन्ड ओ एच एल्कोहल तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें इसकी जगह हम क्या रखेंगे सी एस थ्री सी टू एच फाइव रख सकते हैं हम आर की जगह तो सी सी तो एस थ्री ओ एच इसका पहला एग्जाम्पल और सी टू एच फाइव ओ एच इसका दूसरा एग्जाम्पल इसका नाम क्या है मैथिल अल्कोहल और इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल तो क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहलों का वर्गीकरण तो फर्स्ट है इसमें इसमें देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण में सिंगल बॉन्ड ओएस समूह की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया तो इसमें क्या है जो ओ समूह यानी हाइड्रोक्सिक जो समूह है इसमें इसके आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया इन्हें तीन वर्गों चार वर्गों में बांटा गया ठीक है पहला क्या है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सेकेंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल थर्ड है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फोर्थ है इसका पोलीहाइड्रिक एल्कोहल तो पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें केवल एक सिंगल बोंड ओ समूह होता है तो इसमें क्या है ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसमें क्या होगा केवल एक ओ एच समूह होगा ठीक है तो ये क्या कहलाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं तो एग्जांपल देखते हैं इसमें सी एस थ्री ओ एच यानी मैथिल अल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच एथिल अल्कोहल इसमें क्या है एक एक आइड्रोक्सी समूह यानी ओ एच एक है और इसमें भी ओ एच एक है तो ये क्या है एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को तो भी में बांटा गया है कितने तीन वर्गों में बांटा है ठीक है तो इसका भी वर्गीकरण देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण तो अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पोलीहाइड्रिक अल्कोहल पहले बाद में देखेंगे पहले क्या देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण देखेंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो सिंगल बॉन्ड और समूह का कारण परमाणु की प्रकृति से जुड़े होने के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उन्हें कितने भागों में बांटा है तीन भागों में तो पहला कौन सा है प्राथमिक अल्कोहल दूसरा द्वितीय अल्कोहल तीसरा तृतीय अल्कोहल तो इसमें इसे क्या कह सकते हैं वन डिग्री अल्कोहल भी और इसे टू डिग्री अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल को थ्री डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं तो फर्स्ट देखते हैं इसमें प्राथमिक अल्कोहल तो वन डिग्री अल्कोहल वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें सिंगल बोन ओ एच समूह प्राथमिक कारण परमाणु से जुड़ा रहता है प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं इनका सामान्य सूत्र आर सी एच टू सिंगल बोन ओ एच होता है तो इसमें क्या कहा है जो प्राथमिक अल्कोहल है उसमें यानी वन डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या है वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक के पार्ट्स तो है ये वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ठीक है तो वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें सिंग सिंगल बोंड ओएस समूह जो सिंगल बोंड ओएस समूह जुड़ रहा है उसमें वो कैसे जुड़ा होगा प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा यानी वन डिग्री ये जो प्राथमिक का मतलब क्या है यहाँ पे वन डिग्री ठीक है वन डिग्री है ये प्राथमिक मतलब तो वन डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं इसका सामान्य सूत्र आर सी एस टू सिंगल बोन्ड ओ एच होता है तो इसमें क्या कहा है कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें जो वन डिग्री जो हमने वन डिग्री अल्कोहल पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा जो ओ एच समूह होगा वो वन डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो वन डिग्री कार्बन परमाणु मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी वो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट लेक्चर था तो ठीक है वो उसमें क्या था जो कार्बन परमाणु था वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ रहा होगा तो वो क्या होगा वन डिग्री और अगर कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ रहा होगा वो क्या होगा टू डिग्री कार्बन परमाणु और जो कार्बन परमाणु तीन कार्बन से जुड़ रहा होगा तो वो क्या होगा थ्री डिग्री कार्बन परमाणु होगा तो, हो? तो इसमें क्या है जो ये वाला है ये वाला देखते हैं क्योंकि ओएस समूह किसके साथ जुड़ रहा है इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो ओ एस समूह इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो ये कौन सा होगा ये होगा वन ये होगा वन डिग्री कार्बन परमाणु क्योंकि इसमें क्या है जो ये कार्बन परमाणु वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो ये क्या होगा वन डिग्री अगर यहाँ पे दो ऐसे दो कार्बन जुड़े होते हैं सी एस सी एस थ्री यहाँ पे भी लिखा होता तो ये क्या होता है टू डिग्री बन जाता क्योंकि ये कार्बन परमाणु दो से जुड़ जाता ठीक है तो ये किससे जुड़ रहा है एक एक कार्बन से जुड़ रहा है तो ये वाला जो कया कार्बन है वो क्या कहलाएगा वन डिग्री कार्बन कहलाएगा और जो वन डिग्री कार्बन से ओ एच समूह जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा वन डिग्री अल्कोहल ठीक है ये क्या है वन डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला है ठीक है सेकंड देखते हैं सेकंड है इसमें द्वितीयक अल्कोहल यानी टू डिग्री अल्कोहल वे मोनोआइडिक एल्कोहल जिनमें ओ समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु यानी टू डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है द्वितीय अल्कोहल कहलाते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है आर टू सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है तो इसमें क्या कहा है जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें जो ओ एस समूह पहले किससे जुड़ा था वन डिग्री से अब इसमें किससे जुड़ेगा टू डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ेगा ठीक है तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आर टू सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका तो आर टू सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच में आप रख के देखें यहाँ पे आर के जगह क्या रखेंगे सी एस थ्री तो सी एस सी कितने है? यहाँ पे दो हैं तो सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे सी एच ये किससे जुड़ रहा है सी एस सी और सिंगल बोन ओ एच तो इसमें देखते हैं जो ये कार्बन परमाणु है ये कैसा है टू डिग्री कार्बन परमाणु है कैसे क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ रहा है ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा है तो ये क्या होगा टू डिग्री कार्बन इसलिए ये जो कार ये जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ जो कार जो टू डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो भी क्या होगा टू डिग्री हाइड्रोजन होगा तो जो टू डिग्री हाइड्रोजन और टू डिग्री कार्बन से जो ओ एस समूह जुड़ेगा वो क्या होगा टू डिग्री एल्कोहल कहलाएगा इसका हमला ठीक है इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल प्रोपिन एल्कोहल तो टू डिग्री एल्कोहल है ये ठीक है थर्ड देखते हैं इसमें त्रिथक एल्कोहल यानी थ्री डिग्री एल्कोहल वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें सिंगल बॉन्ड ओ एस समूह त्रिथक कार्बन परमाणु यानी ये क्या है थ्री डिग्री है थ्री डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है त्रिथक एल्कोहल कहलाता है इनका सामान्य सूत्र आर थ्री सी सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है तो इसमें क्या क्या है मोनो वो जो जो वन डिग्री था उसमें क्या था वन डिग्री कार्बन से जुड़ेगा सेकंड डिग्री जो टू डिग्री एलकोहल था उसमें टू डिग्री कार्बन से जुड़ेगा और जो ये थ्री डिग्री एल्कोल है इसमें क्या होगा थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ेगा क्या सिंगल बॉन्ड ओ एस एमो तो इसमें ये जो फॉमला होता है आर थ्री सी सिंगल बॉन्ड ओ एस तो आर थ्री की जगह क्या रखेंगे हम सी एस थ्री रखेंगे तो तीन सी एस थ्री इसमें रख दिया हमने और यहाँ पे क्या है सी से जुड़ रहे हैं ये तीनों सी से जुड़ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ एच तो ये क्या है यहाँ पे जो कार्बन है वो थ्री थ्री डिग्री कार्बन है ठीक है थ्री डिग्री कार्बन है क्योंकि ये तीन कार्बन से जुड़ रहा है तो थ्री डिग्री कार्बन हो गया और इसका नाम क्या है टी ब्यूटिल अल्कोहल ट्रेशल ब्यूटिल अल्कोहल है इसका नाम तो इसे ये क्या ऑन सा हो गया थ्री डिग्री अल्कोहल क्योंकि ये जो ओ एस समूह है यानी हाइड्रोक्सीन समूह है वो कैसे जुड़ रहा है थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है तो इसलिए इसका नाम होगा थ्री डिग्री अल्कोहल सेकेंड स्टेप या सेकेंड इसका टाइप है जो हमने अभी पढ़ा पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अभी क्या है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ये जो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री थी वे क्या थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट्स थे लेकिन ये अलग है ये किसका पार्ट है ये अल्कोहल का पार्ट है ठीक है सेकेंड है ये टाइप उसका किसका अल्कोहल का तो फर्स्ट क्या था मोनोहाइड्रिक एल्कोल अभी क्या है डाईहाइड्रिक अल्कोहल तो वे अल्कोहल जिनमें दो ओ एस समूह जुड़े होते हैं यानी दो एस समूह होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं जो मोनोहाइड्रिक था उसमें क्या था एक ओ एस समूह था और इसमें क्या है दो एस समूह है ठीक है दो तो हाइड्रोक्सी समूह है तो ये क्या कहलाएंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं सी एस टू सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड ओ एच ये क्या है इसमें दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ रहे हैं यानी ओ एस समूह जुड़ रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा एथिलीन ग्लाइकोल तो ये किसका किसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रिक एल्कोहल का तो थर्ड देखते हैं इसमें अल्कोहल ये तो ईजी है वे अल्कोहल जिनमें तीन ओएस समूह जुड़े होते हैं अल्कोहल कलाते हैं तो इसमें क्या है तीन ओ एस समझ जुड़ रहे हैं सी एस टू सिंगल बोन ओ एस सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोर्ड ओव सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन ओ एच तो इसका नाम क्या है ग्लिस्ट्रोल ये क्या है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें क्या है तीन हाइड्रोजी समूह जुड़ रहे हैं फोर्थ इसमें एंड लास्ट पोलीहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें तीन से अधिक ओ एस समूह जुड़े होते हैं पोलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं तो इसमें क्या कहा है जो वे अल्कोहल है जिनमें तीन से अधिक ओ एच समूह जुड़े होते हैं उसका क्या लेंगे पोलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं इसका इसमें तीन से ज़्यादा हाइड्रोक्सीजम समूह जुड़ेंगे तो सी एस टू सी एच टू ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच का होल फोर यानी यहाँ पे कितने ओ एच एफ चार हैं तो सिंगल बॉन्ड सी एस टू ओ एच यहाँ पे कितने टोटल कितने हाइड्रोक्सीसम होंगे छः हो गए तो ये क्या है तीन से ज़्यादा है तो इसका क्या नाम होगा सोलबिटोल इसलिए ये पोलीहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें तीन से ज़्यादा समूह है ठीक है ये इसका क्लासिफिकेशन पूरा हुआ अल्कोहल का नेक्स्ट वीडियो हम इसके नोम के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको इसकी पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू सो मच